किसी ने पैसे ठग लिए, फिर कमा लेंगे। ठगों ने खाता खाली करवा लिया, कोई बात नहीं, भगवान फिर दे देंगे। एफडी टूट गई, कोई बात नहीं, जिंदगी तो बची है ना। लेकिन अगर जान ही चली जाए तो भला उसकी भरपाई कैसे होगी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा ही क्राइम हुआ जिसकी कोई माफी कोई भरपाई नहीं है। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल आया और आगरा की टीचर की जिंदगी छीन गया। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का झांसा, 1 लाख रुपए की डिमांड, हाई बीपी और पैनिक अटैक ने ले ली जान। साइबर फ्रॉड का ऐसा शिकंजा, मुश्किल हो गया जान बचाना। अब तक आपने हिरासत में मौत के किस्से सुने होंगे, हिरासत में मौत पर फिल्में देखी होंगी, लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान महिला टीचर ने दम तोड़ दिया। इसे डिजिटल अरेस्ट में पहली मौत कहा जा रहा है। क्रिमिनल की कॉल्स की वजह से इनकी जान चली गई। ये इतनी घबरा गई कि इनकी सांस तक नहीं बन पा रही थी। आगरा के शिवचरण वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे। वो रिटायरमेंट वाली लाइफ के सपने देख रहे थे। 30 सितंबर की सुबह तक सब कुछ ठीक था। उनकी पत्नी मालती वर्मा स्कूल टीचर थी, वो भी समय से स्कूल चली गई थी। स्कूल में ही एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने पुलिसिया वर्दी वाली डीपी लगा रखी थी। 30 सितंबर दोपहर 12 बजे कॉल आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के +92 कोड वाले नंबर से आए कॉल। 15 मिनट के अंदर कई बार व्हाट्सएप कॉल आए। बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने का डर दिखाया गया। फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने की डिमांड की गई। टेंशन में महिला टीचर की हार्ट अटैक से ही मौत हो गई। साइबर फ्रॉड पाकिस्तानी नंबर से लगातार कॉल कर रहा था। वो मालती वर्मा को संभलने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि व्हाट्सएप कॉल को डिस्कनेक्ट ना किया जाए। मालती वर्मा को लगातार ये कहकर डराया जा रहा था कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। व्हाट्सएप कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था। टीचर की बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की धमकी दे रहा था। 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। बेटी को जेल भेजने और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, ये बात बेटे को बताना मालती वर्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बेटे दीपांशु ने जोर देकर पूछा तो माँ ने सारी बात बता दी। बेटे ने नंबर चेक किया तो वो पाकिस्तान का था। भाई ने बहन से बात की, वो अपने कॉलेज में बिल्कुल ठीक ठाक थी। बेटे ने माँ को आश्वस्त किया और कॉल डिस्कनेक्ट करने को कहा। मालती वर्मा ने व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन तब तक उनका बीपी बढ़ चुका था। तकरीबन 12 बजे जब मम्मी स्कूल में थी तो 12 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूँ और आपकी जो बेटी है वो एक सेक्स रैकेट में फंस गई है और अगर आप उसे बिना किसी बेइज्जती के बिना किसी उसके अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप बात कीजिए और तुरंत 1 लाख रुपये 15 मिनट के अंदर तुरंत ट्रांसफ़र कीजिए, फ़ोन आपको काटना नहीं है। तो उसके बाद मम्मी ने तुरंत मुझे कॉल किया कि बेटा एक काम करो, घर में से 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर देती हूँ, उस नंबर पे आप पैसे दे दीजिए। जैसे ही वो मैंने नंबर देखे +92 करके तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है। मैंने मम्मी को बार बार समझाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी क्या कहते हैं ये फ्रॉड कॉल है, आप परेशान मत होइए। इतना पैनिक कर गई थी मम्मी, मेरी मम्मी 58 साल की हैं, एजेड थी, तो इतना पैनिक कर गई कि मम्मी की वहीं से तबीयत स्टार्ट हो गई, तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। मालती वर्मा जब घर लौटी तो बहू रेखा घर में अकेली थी। मालती वर्मा ने पैनिक अटैक की शिकायत की, उनके सीने में दर्द हो रहा था। ये बताते बताते वो अचेत होकर गिर पड़ी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, मालती वर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिवचरण वर्मा के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पत्नी को याद करके शिवचरण इमोशनल हो जाते हैं। माँ की मौत के 2 दिन बाद बेटे ने आगरा पुलिस को कंप्लेंट दी। पुलिस अब फोन नंबर के जरिए साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली एक डिजिटल अरेस्ट का केस था जिसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होती है
और इसी के कारण वो डेड हो जाती हैं। और ये पहला मामला जो है ऐसा सामने आया है अभी हमारे पास, जहां पे इतने ज्यादा लोग पैनिक हुए और ऐसे केस हुए। पिछले 6 महीने में यूपी में डिजिटल अरेस्ट के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ठगों ने लोगों को डरा धमका कर लगभग 150 करोड़ रुपए वसूल लिए, मगर पहली बार डिजिटल अरेस्ट के दौरान मौत का मामला सामने आया है। आजकल AI टेक्निक का इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इस पे हम लोग अपनी वॉइस अपलोड कर देते हैं, कभी सिंगिंग करते हुए, कभी नॉर्मली वॉइस अपलोड करते हैं। तो बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं, उनकी टेक्निक ये होती है, उस आवाज़ को निकाल लेते हैं और वही आवाज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कभी आपको कॉल आया, बोले कहते हैं कि मैं आपके बेटे से बात कराता हूँ, वही AI टेक्निक यूज़ करके आपके बेटे की वॉइस सेम निकलती है, जो चीखता चिल्लाता है, बोलता है पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। ऐसे जब आवाज़ आदमी सुनता है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, परेशान हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस IT एक्ट की धारा दर्ज करती है, लेकिन आगरा के केस में साइबर फ्रॉड के साथ मौत का मामला भी इन्वॉल्व है। तो क्या पुलिस इसमें हत्या की धारा को जोड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ और अपराधी पकड़े भी गए तो बाद में कोर्ट में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।